Greetings, Honorable Prime Minister, sir. I'm Erica George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. So the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable. But due to some reason, they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path, or maybe they did not have the proper counseling. So, sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erica. Honorable Prime Minister, sir, Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. Namaskar, mera naam Hari Om Mishra hai aur main Cambridge School Noida ki 12th kaksha ka chhatra hu. मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? थैंक यू हरि ओम. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, just like Erica and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation, or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister, sir. वैसे दो अलग-अलग प्रकार के सवाल हैं. एक विषय है कंपटीशन का और दूसरा विषय है कि ये एग्जाम दो या वो एग्जाम दो, और एक ही समय दो दो एग्जाम है तो क्या करो. मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है. मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं. आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दें, और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं. हकीकत ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम. अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है. और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें, फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा. जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे. लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता मेहनत. फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और खुद भी इवॉल्व होता जाएगा. और इसलिए मैं मानता हूं कि हम फलानी एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूं. अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा. तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोच रहती है. दूसरा, कंपटीशन. देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए.
अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम ही हम है बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ, तुम चार रोटी खाते हो मैं पांच खाता हूं, तुम पांच खाते हो मैं छह खाता हूं, अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए, कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है जो हमें अपना भी इवेल्यूशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है, और वो है जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे, आपने देखा होगा दो किसान हो, मान लीजिए उसकी भी दो एकड़ भूमि है, इसकी भी दो एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है वो सोचता है नहीं नहीं दो एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा वन थर्ड ये करूंगा, वन थर्ड ये करूंगा, वन थर्ड ये करूंगा, पिछले साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये दो चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो दो एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है, जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हमारे पास अनेक चॉइस है, ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी ना कभी जाने नहीं दूंगा, ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कॉम्पिटिशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे।